नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको इसी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे सारे वीडियो आपको समय पर मिल जाएँ, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, जो कि सब्सक्राइब बटन के बाजू में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट के साथ जो प्रोफार्मा या प्रारूप आया है, उसको कैसे भरना है। सबसे पहले तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स को धन्यवाद कहना चाहूंगा, बधाइयां देना चाहूंगा, जिनका सिलेक्शन स्टेनोग्राफर में हो चुका है। और जिनका नहीं हुआ है, उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोशिश करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं, उसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 8 अगस्त 2018, जो कि मैंने पिछले वीडियो में अभी आपको बताई थी। तो इस डेट तक आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोफार्मा के साथ भेजने हैं। और अगर आप जबलपुर में लोकल में हैं, तो आप वाई हैंड जाके दे सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, दूर हैं, उन्हें इन डॉक्यूमेंट्स को डाक के ज़रिए भेजना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना है, साधारण पोस्ट से बिल्कुल भी नहीं भेजना है। आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा और जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट को भेज दीजिए, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है, डाक में देरी हो सकती है, इसलिए देर बिल्कुल ना करें। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद बताता हूँ कि इस प्रोफार्मा को आपको कैसे भरना है। तो ये रहा वो फॉर्म या प्रारूप, जिसे भरकर इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको 8 अगस्त तक हाई कोर्ट का जो एड्रेस दिया गया है, उसमें आपको भेजना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान दीजिए कि यहाँ पर फ़ोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म में लगाई थी, वही फ़ोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है, चिपकानी है, स्टेपल नहीं करनी है, पिन से आपको नहीं लगाना है, चिपकानी ही फ़ोटो। और इसके बाद अगला सेक्शन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु इसे अभ्यर्थी ना भरें। तो आपको ये सेक्शन आपको नहीं भरना है, यहाँ से जो दिया गया है आपको, ये सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है पूरा का पूरा, क्योंकि साफ साफ लिखा है इसे अभ्यर्थी ना भरें, ठीक है। इसके बाद अगले पेज पर देखते हैं। तो आपको जहाँ से फॉर्म भरना है, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। सबसे पहले पहला पॉइंट है आवेदन क्रमांक। तो आवेदन क्रमांक भरना है आपको, MP AG 171 दिया हुआ है, इसके आगे के डिजिट आपको यहाँ पर फिल करना है। सेकंड पॉइंट है कि जिस पद हेतु आपने आवेदन किया था, उसके सामने निशान लगाएं। तो अगर आपने शीघ्र लेखा Grade 2 जिला न्यायालय, इसमें अगर आपने अप्लाई किया था, तो इसके सामने इसमें आप बॉक्स में टिक करिए। और अगर आपने शीघ्र लेखा Grade 3 इसमें भी अप्लाई किया था, तो आप इसको भी टिक करें। थर्ड पॉइंट है आवेदक का नाम। तो आवेदक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जो नाम आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिया था, वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है, सेम टू सेम। अगला है लिंग या सेक्स, कि आप पुरुष हैं या महिला हैं, आपको उस बॉक्स में टिक करना है। अगर आप पुरुष हैं, तो आपको पुरुष वाले कॉलम में टिक करना है, महिला हैं तो आपको महिला वाले कॉलम में टिक करना है। 5 नंबर पे दिया है पिता या पति का नाम, तो आपको यहाँ पर पिता का नाम भरना है। अगर जो भी लेडीज़ हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो उनको यहाँ पर पति का नाम भरना है। इसके बाद जन्म दिनांक आपकी जो भी है डेट, आप पहले उसको यहाँ पर फिल करिए, जो भी डेट है, मंथ है, ईयर है, आप उसको यहाँ पर पहले भर दीजिए। इसके बाद 6वें नंबर पर ही आपको दिया गया है कि दिनांक 1/1/2017 को आयु। तो 1/1/2017 को आपकी आयु कितनी थी,
आपको वह कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर फिल करना है। कैलकुलेट करेंगे आप एक जब भी आपका जिस भी ईयर में आपका बर्थ हुआ है वो मंथ वो डेट से आपको कैलकुलेट करना है। तो 1/1/17 को आप कितने वर्ष के हो गए हैं पहले वर्ष लिखना है। इसके बाद और एक्स्ट्रा कितने मंथ हो गए हैं, माह कितने हो गए हैं एक्स्ट्रा वो लिखने हैं, और दिन कितने दिन हो गए हैं तो वो आपको यहाँ पर भरना है कैलकुलेशन करके। इसको सही सही भरिएगा। इसके बाद 7वें नंबर पर दिया हुआ है कि श्रेणी कैटेगरी अनारक्षित अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग। तो आप जिस भी श्रेणी या कैटेगरी में आते हैं आपको यहाँ पर उसको लिखना है। अगर आप अनारक्षित हैं तो अनारक्षित लिखिए या UR लिख दीजिए, अनुसूचित जनजाति हैं तो ये भी लिख सकते हैं या फिर SC, इसी तरीके से बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं। 8 नंबर पर दिया है कि क्या आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा कर अपने ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन किया था। तो इसका मतलब ये है कि आपने फॉर्म भरने के बाद अगर आपको लगा था कि मैंने कुछ गलती कर दी है, इसके बाद आप वापस गए थे MP ऑनलाइन या आपने घर से कुछ करेक्शन किए थे अगर आपने फॉर्म भरने के बाद, तो आपने क्या करेक्शन किया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो 9वां नंबर है उस पर लिखा है कि क्या आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन फॉर्म में कोई त्रुटि की थी जिसे सुधार नहीं किया गया हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया था और आपको पता चला या नहीं पता चला या बाद में पता चला कि आपने कुछ गलती कर दी है, लेकिन इसके बाद आप उस गलती को नहीं सुधार पाए या लास्ट डेट ख़त्म हो गई थी तो आप उस गलती को नहीं सुधार पाए, तो वो गलती आपने क्या की थी आपको वो यहाँ पर लिखना है कि आपसे क्या गलती हुई थी, उस पॉइंट को आप यहाँ पर ज़रूर लिखिए। 10वें नंबर पर दिया है कि क्या आप आयु सीमा में छूट का लाभ लेना चाहते हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दें। तो अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो आप यहाँ पर हाँ या नहीं लिख दें, अगर लिया है तो हाँ और नहीं लिया है तो नहीं लिखें, और यदि हाँ है तो छूट का आधार क्या था वो आपको यहाँ पर लिखना है। आधार मतलब आप OBC से हैं SC ST ये सब लिखना होगा आपको कि क्या आधार था, किस बेस पे आपने छूट लेनी चाहिए। जिसको भी छूट का प्रावधान है वहाँ पे कारण दिए हुए थे, आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि किस किस को छूट दी जाती आयु में, तो उनमें से आपका जो भी आधार है आप वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि आपने किस आधार पर छूट ली है। 11वां है क्या आप अस्थिवादित विकलांग हैं। अगर आप हड्डियों से संबंधित विकलांग हैं आप तो आपको यहाँ पर हाँ या नहीं में उत्तर देना है, अगर हैं तो हाँ नहीं है तो नहीं। 12वां है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं में उत्तर देना है। 13वां है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिखें। 14वां है क्या आप विवाहित हैं। अगर आप विवाहित हैं तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। 13वें के नीचे दिया है यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित की तारीख और जीवित संतानों के नाम और उनकी जन्मतिथि लिखें। तो जो लोग भी विवाहित हैं तो उनको विवाह की तारीख लिखनी है, और आपके जो अभी जितने भी पुत्र हैं या पुत्री हैं उनके नाम लिखने हैं और उनकी जन्मतिथि लिखना है बच्चों की। 15वें नंबर पर है क्या आप शासकीय कर्मचारी हैं। अगर आप जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आप नौकरी में थे या अभी नौकरी में हो गए हैं तो भी आपको यहाँ पर लिखना है कि अगर आप नौकरी में हैं तो हाँ या नहीं में पहले उत्तर दें यहाँ पर, अगर आप नौकरी में हैं तो हाँ लिखें, और अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको यहाँ पर जिस भी कार्यालय में आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब तो आपको उस कार्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है और उस कार्यालय का पता लिखना है।
इसके बाद कार्यालय की कार्यकाल की अवधि, मतलब आपने अब तक कितनी नौकरी कर ली है, मतलब या तो फिर यहाँ पे पूछा गया कि किस दिनांक से आपकी ज्वाइनिंग हुई थी और किस दिनांक तक आपने जॉब किया है, वो आपको लिखना है। तो आप अभी भी नौकरी में हैं तो आपको यहाँ करेंट डेट आपको डाल देनी है। इसके बाद 16वें नंबर पर है स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस। तो आपको, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, आपका जहाँ का भी स्थायी पता है, वो स्थायी पता आपको डिटेल में देना है, पिन कोड के साथ जिला, पिन कोड वगैरह सब कुछ लिखना है स्थायी पते में। 17वें नंबर पर है पत्राचार का पता। तो आपने जो भी फॉर्म में पत्राचार का पता दिया था उस एड्रेस को यहाँ पर लिखना है, जहाँ पर आपका, अगर हाई कोर्ट कोई लेटर आपको भेजता है तो वो जल्दी से जल्दी जहाँ पर पहुँच सके वो पता आपको देना है यहाँ पर। वैसे तो आपने जो भी ऑनलाइन फॉर्म में एड्रेस दिया था वही आप दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको पत्राचार का पता लिखना है और ये पता भी आपको फुल डिटेल में देना है पिन कोड के साथ। 18वें नंबर पर है मोबाइल या फ़ोन नंबर। तो मोबाइल नंबर आपको देना है और मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिया था। इसके बाद है शैक्षणिक योग्यता का विवरण, 19 नंबर पर दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले है हायर सेकेंडरी, तो यहाँ पे आपको 12th की डिटेल देनी है, बोर्ड जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है, किस वर्ष आपने पास किया था, परसेंटेज क्या थे आपके, वो लिखने हैं। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है, स्नातक भी किया है, तो उसकी डिटेल दीजिए, किस बोर्ड से किया है, किस यूनिवर्सिटी से, किस वर्ष में किया था, परसेंटेज क्या थे, वो लिखिए। थर्ड पे है हिंदी टाइपिंग, तो हिंदी टाइपिंग आपने जिस भी बोर्ड से की थी वो बोर्ड आप डालिए। जैसे आजकल अब CPCT से हो गया है, तो पहले मध्य प्रदेश मुद्र लेखन से होता था, तो जिन्होंने पुराने पैटर्न में किया हुआ है पास वो आप लिखिए वहाँ पर, जिन्होंने CPCT से किया है तो आप यहाँ पर मध्य प्रदेश जो भी उसमें लिखा हुआ आता है सर्टिफिकेट में आप वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैप IT जो होता है आप उसको यहाँ पर लिखिएगा उसका नाम, और वर्ष लिखिएगा जिस समय आपने पास किया था, उस वर्ष आपके सर्टिफिकेट में वो वर्ष दिया होगा आपको वही लिखना है। और यहाँ पर प्राप्तांक क्या प्रतिशत हैं तो आप इस कॉलम को, या गति दिया है जैसे ऑब्लिक में गति लिखा है तो आप यहाँ पर हिंदी टाइपिंग की गति लिखिएगा। इसी तरह हिंदी शॉर्ट हैंड है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल दे देनी है सारी गति के साथ। कंप्यूटर योग्यता मांगी गई है, तो आपको यहाँ पर आपने जो PGDCA से किया है उसका वोट कहाँ से किया है, वर्ष किस वर्ष किया है, परसेंटेज क्या थे, वो सब आपको लिखना है। इसके साथ साथ अन्य कोई अगर योग्यता है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इतना ही फॉर्म था दोस्तों, इसके आगे तो अच्छा कुछ और भी है अभी। तो 20वें नंबर पर दिया हुआ है कि क्या आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित है अथवा लंबित रहा है अथवा किसी न्यायालय से दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए हैं। तो ये उन लोगों के लिए हैं जिनके ऊपर भी कोई FIR दर्ज हुई है, उनको उस डिटेल को देना है, चाहे वो छूट गए हैं उस जो भी आपके ऊपर दोष लगा था उससे मुक्त हो गए हैं, तब भी आपको यहाँ पर वो सारी डिटेल देना है, प्रकरण क्रमांक धाराएँ कौन सी लगी थी, किस न्यायालय से आपका केस लड़ा गया था, वो सब आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। इसके बाद आखिरी है, यहाँ पर आपको लिखा है कि निम्नलिखित दस्तावेजों प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है। तो जो भी सर्टिफिकेट मांगे गए हैं उनको आपको लगाना ही है, इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई अतिरिक्त योग्यता है तो आप वो भी लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको टिक करना है, जैसे पहले नंबर पर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति या रसीद की छाया प्रति, तो जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको प्रिंट आउट मिला होगा, तो उसकी फ़ोटो कापी आपको लगानी है और यहाँ पर आपको टिक करना है अगर आपके पास वो है और आप लगा रहे हैं तो। आवेदन दूसरे में, आवेदन पत्र में किए गए संशोधन के समय अगर आपने करेक्शन किया था फॉर्म भरने के बाद,
तो करेक्शन के बाद भी आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा, तो उसकी कॉपी भी आपको लगाना है। और आप लगा रहे हैं तो आपको टिक करना है, और नहीं लगा रहे हैं तो आपको क्रॉस करना है। थर्ड पे है जन्मतिथि हेतु हाई स्कूल की अंक सूची, तो यहाँ पे आपको टेंथ की मार्कशीट लगानी है। और लगा रहे हैं, आपके पास है टेंथ की मार्कशीट, तो आपको टिक करनी है, और आप नहीं लगा रहे हैं तो आपको क्रॉस करना होगा। फोर्थ पे है जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति को लगेगा, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को लगेगा, और अनुविभागीय अधिकारी का लगेगा जाति प्रमाण पत्र, तो आपको वो लगाना है और आपको यहाँ पर टिक करना है कि आपने वो सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी आपने लगाई है। तो आपको यहाँ पर राइट का मार्क करना है, अगर नहीं लगाई तो आप क्रॉस का मार्क करेंगे। इसके बाद है मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो वो भी आपको लगाना है। मूल निवासी का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा होना चाहिए। लगाने के साथ साथ आपको यहाँ पर टिक करना है। तो इसी तरीके से जो जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, और आप इसमें पढ़ते जाइए, जो जो डॉक्यूमेंट लगाया है आपने, उसके सामने आप टिक कर दीजिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्थान लिखना है, जहाँ से भी आप हैं वो स्थान लिख दीजिए, जिस भी डेट को आप ये फॉर्म भेज रहे हैं उस डेट को लिखना है। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं, हस्ताक्षर वही करिएगा जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में किए थे, कोई दूसरे हस्ताक्षर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद घोषणा पत्र दिया हुआ है, तो उस घोषणा पत्र के नीचे भी आपको स्थान का नाम लिखना है जहाँ से आप हैं, डेट डालनी है जिस डेट को आप भेज रहे हैं ये फॉर्म, और इसी तरीके से आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं और नीचे आपको नाम लिखना है। हस्ताक्षर वही करिएगा जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिए थे दोस्तों। तो इतना ही था ये फॉर्म, तो आप इसको भर के जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को जल्दी भेज दीजिए सारे डॉक्यूमेंट के साथ। और हाँ दोस्तों, स्पीड पोस्ट से ही भेजिएगा, जो लोग बाहर रहते हैं वो स्पीड पोस्ट से ही भेजें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।